हमारे साथ गिरिराज जी हैं। गिरिराज जी, झारखंड में जिस तरह से बाहर की शक्तियां, खासकर बांग्लादेश और तमाम आसपास के देशों के लोग घुसपैठ करके अंदर आ गए बिना किसी आधिकारिक पासपोर्ट और उसके, तो अब ये बात उठने लगी कि वहां एनआरसी लागू हो, और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने कहा भी है कि एनआरसी लागू होगी यदि हमारी सरकार आएगी, तो आपका क्या कहना है इस पर? मैं शिवराज सिंह चौहान जी को धन्यवाद देता हूं, उन्होंने सच कहा है और सच कहने की एक समय पे सच कहा है। अब अति हो गया है। झारखंड की पहचान क्या थी? आदिवासी समाज का बाहुलता, संस्कृति सनातन, बिरसा मुंडा की धरती, बिरसा मुंडा की पहचान ही अब खत्म होने पर है। जहां 44-45% से ऊपर आदिवासी थे, हेमंत सोरेन ने उसे घटा करके 28 से नीचे ले आए, और कौन आया? मुसलमान आया, घुसपैठिए आया, चाहे बांग्लादेशी हो चाहे रोहिंग्या हो, केवल आया ही नहीं, हमारी बहन आदिवासी बेटियों से शादी करके हमारे अस्तित्व को समाप्त करने की कोशिश की है। इसलिए अब झारखंड में तो अविलंब लगे, लेकिन झारखंड के साथ बंगाल, आसाम सहित पूरे देश में आज भारत वंशियों की पहचान पत्र बनना जरूरी है। मतलब देश के जितने भी सीमावर्ती राज्य हैं उन सब में एनआरसी लागू होना चाहिए? मैं तो कह रहा हूं पूरे देश में, सीमावर्ती में तो खतरा बढ़ ही गया है, लेकिन पूरे देश में लागू करने की जरूरत है, और इसे अविलंब जरूरत है देश में। लेकिन सर, कई राज्य हैं जो लगातार एनआरसी का विरोध कर रहे हैं, आपने चूंकि बंगाल की बात की तो बंगाल सरकार लगातार इसका विरोध कर रही थी, असम की पहले ही जो कांग्रेस की सरकारें थी उन्होंने इसका विरोध किया था, और नॉर्थ ईस्ट के और भी कई राज्य हैं जहां पर ये कहा गया कि एनआरसी शायद लागू ना की जाए क्योंकि इससे अनरेस्ट पैदा होगा। आज जो लोग अनरेस्ट कह रहे हैं, कल भारतवंशियों के अस्तित्व पे खतरा होगा, उस दिन क्या कहेंगे? क्या आपकी उम्र कम है पांडे जी? आप बंगाल को क्या देख रहे हैं? बंगाल देश का दूसरा बांग्लादेश बनने जा रहा है, जिस ढंग से वहां की मुख्यमंत्री, वहां की सरकार रेड कार्पेट बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्या के लिए कर दिया है। उन्होंने तो कहते कहते बोल भी दिया था कि बांग्लादेशी आएगा मैं आने दूंगा, तो ये बताता है कि देश के अंदर में, आप कलकत्ता चले जाएं, वहां का माहौल बिगड़ गया है, जो 10 साल 15 साल 20 साल पहले 25 साल पहले था, आज बंगाल का माहौल बिगड़ चुका है, वहां हिंदू कहने में भी डर लगता है। गिरिराज सिंह जी का कहना है कि सीमावर्ती राज्य ने पूरे देश में एनआरसी लागू होना चाहिए और घुसपैठ पर रोक लगनी चाहिए। कैमरा निखिल के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।